सो जदों कोई भी कंट्री वल्लों कोई नवी पॉलिसी जिहड़ी हैगी आ स्टूडेंट वीज़ा दे विच लियांदी जांदी आ तां उहनां वल्लों एक टीचा मिथिया जांदा वी किन्ने एप्लीकेंट्स नूं आउण वाले 5 साल दे विच जां 10 साल दे विच अपनी कंट्री दे विच बुलाउणा चाहुंदे ने। सो गल कर रहे हां जी यूके स्टूडेंट वीज़ा नूं लैके। यूके ने भी अपना टीचा मिथिया सी 2030 तक दा वी असीं 6 लाख एप्लीकेंट जिहड़ा हैगा उह यूके दे विच बुलाउणा चाहुंदे हां। जदों उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट्स कीतियां सी वी असीं पढ़ाई तो बाद 2 साल दा वर्क परमिट देवांगे जिहड़ा भी बच्चा इत्थे जाके बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कंप्लीट करेगा। सो अज उहनां नंबरस नूं देखदे हुए आपां 1 मिलियन तो ज़्यादा एप्लीकेंट्स जिहड़े हैगे आ जिहड़ियां ने यूके स्टूडेंट वीज़ा अपना अप्लाई कीता सी, बट वीज़ा लैण दे विच अप्रोक्सीमेटली 5 तो 6 लाख जिहड़ा स्टूडेंट्स हैगा वह कामयाब होया। मतलब कि जिहड़े बच्चों नूं कास मिलिया सी वह काफ़ी हद तक अपना वीज़ा लैण दे विच भी कामयाब होए ने। बाकी वो स्टूडेंट्स ने जिन्हां नूं ऑफर लैटर मिले, इंटरव्यू नहीं क्लीयर होया जां किसी कारण तक अंबैसी तक अपनी फाइल नहीं पहुँचा सके। सो अज ये गल मैं तुहाडे नाल तां कर रहा भी जिहड़े स्टूडेंट्स भी यूके जाण दा सुपना रखदे आ, अज जिहड़ा बच्चों नूं वह 6 लाख नूं उत्थे बुलाउणा चाहुंदे सी 10 साल दे विच, वो जिहड़े नंबरस हैगे उन्हां दे सिर्फ 2 तो 2.5 साल दे विच पूरे हो चुके आ। सो आउण वाले समय दे विच थोड़ा मन दे विच डर भी है। सो पिछले इनटेक नूं देखदे आ तां इक हल्लाशेरी भी मिलदी आ भी 100% सक्सैस रेट रहा आ ग्लोबल वीज़ा हैल्पलाइन दा जां होर भी कई कंपनीज़ दा आपां देखदे आ जिन्हां ने अच्छा काम कीता आ। बट अज यूके जिहड़ा भी एप्लीकेंट अपनी सितंबर 2022 इनटेक दे विच फाइल प्रोसैस करवाना चाहुंदा उहदे कोल बहुत घट समा बचिया आ। अज अप्रैल दे विच आपां बैठे हाँ, तकरीबन 12 तो 15 यूनिवर्सिटीज़ मेरे टिप्स के नाम उन्होंने याद आ जिन्हां दीआं डेडलाइन सीगियां अप्रैल दी, किसी की 8 तरीक सी, किसी की 10 है, किसी की 15 या किसी की 20 अप्रैल हैगी आ। अज लास्ट मंथ अप्रैल का लग रहा आ, जे किसी बच्चे ने मतलब बिना किसी डर तो या बिना किसी रिस्क तो अपना ऑफर लैटर कास अते वीज़ा प्राप्त करना आ। सो अज बिल्कुल सही समय है जी अप्रैल मंथ का, जे तुसी अपना एप्लीकेशन यूके दे विच दर्ज करना चाहते हो। बट अज स्टूडेंट की सोचता है भी हले सितंबर बहुत दूर पिया आ, कोई गल नहीं लगा लेंगे फाइल, जां वो बच्चे साडे कोल बड़े विजिट करते हैं जिन्होंने जनवरी लिए फाइल लाई सी, मई के लिए अपनी फाइल अप्लाई की सी, बट किसी कारण उन्हों का कास या ऑफर लैटर नहीं आया। अज वो बच्चे कई बार मन उन्हों का डोल जाता भी नहीं यार हुण आपां नहीं अप्लाई करना, बट फिर 2-3 महीने बाद उन्हां वल्लों रीविजिट किया जाता भी नहीं सर तुसीं साडा अप्लाई कर दो, साडा पहला ऑफर नहीं सी कितों आया जां साडा कोई इंटरव्यू नहीं क्लीयर होया सी। सो ध्यान नाल इह गल सुणियो, जे अज तुसीं फ्रैश अपनी जिहड़ी हैगी एप्लीकेशन अप्लाई करनी आ जां तुसीं पहलां किसी अदर एजेंट तो अपना केस अप्लाई किया सी, तां अपना समां बिल्कुल भी बर्बाद ना करो। एक एक दिन अज तुहाडे लई कीमती है। आप लास्ट दी गल करिए भी अप्रैल दे विच जिहड़े बच्चे अप्लाई करने अज बहुत अच्छिया यूनिवर्सिटीज़ दे साडे कोल ऑप्शनस अवेलेबल हैगे आ। 5,000 पाउंड की स्कॉलरशिप तुसी लै सकते हो जिहड़े बच्चे समा रहिंदे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ दे विच अप्लाई करनगे, लेकिन एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा आ, सीटा बहुत घट हैगियां ने, कोई भी आपां कमिटमेंट नहीं कर सकते। ये वीडियो तुसी हो सकता अप्रैल दे विच देखो, हो सकता कुछ महीने बाद देखो, लेकिन मैं अप्रैल 2022 की गल कर रहा। जे तुसी अप्रैल 2022 दे विच अपना केस यूके स्टडी वीज़ा सितंबर 2022 इनटेक लिए अप्लाई करोगे तो तुसी समा रहिंदे अपनी चंगी यूनिवर्सिटी दे विच अपने चंगे कोर्स दे लई ते अपनी फीस के उपर स्कॉलरशिप जिहड़ी हैगी आ 5,000 पाउंड तक की लै सकते हो। सो अप्रैल दे विच अप्लाई करन दा मतलब यह है भी जे तुसी अप्रैल विच अपनी एप्लीकेशन दर्ज कर दिओ तां जिहड़ा तुहाडा ऑफर लैटर हैगा तुहानूं मई दे विच उह रिसीव हो जाएगा। सो मई दे विच जिहड़े बच्चियां कोल ऑफर लैटर होणगे यूनिवर्सिटीज़ दे उह भी अनकंडीशनल। सो एक इह भी बहुत समझण दी जरूरत है, 2 तरह दे ऑफर लैटर यूनिवर्सिटीज़ वल्लों प्रोवाइड कीते जांदे आ, एक कंडीशनली एक अनकंडीशनल। जे तुहाडे कोल अनकंडीशनल ऑफर लैटर हुंदा तां तुसीं इह समझ सकदे हो भी तुहाडी सीट जिहड़ी हैगी उह सेफ हुंदी आ यूनिवर्सिटी दे विच, तुहाडी ऑफर ते जां तुहाडे प्रोफाइल पर कोई रिस्क नहीं है, तुहाडे कोल कोई कंडीशन नहीं आ। हाँ, इहदे नाल इह भी दसना जरूरी है भी कई बार कोई बहुत नॉमिनल चीज़ों की भी कंडीशन आ जाती है, LOR MOI वगैरह की, वह कंडीशन का कोई ज़्यादा इशू नहीं हुंदा, वह तुसीं अपना उन्होंने मेल डॉक्यूमेंट्स करके अपनी क्लीयर करवा सकते हो 1 तो 2 दिन के विच ही। बट अब जिहड़े बच्चों को मई के अनकंडीशनल अपने ऑफर लैटर होणगे, अपनियां फीसां जिन्हां बच्चों दी मई के ट्रांसफर हो जाएगियां, उन्हां स्टूडेंट्स नूं ही कास लैटर जिहड़ा हैगा जून या जुलाई के मिलना आ। सो मतलब कि अज अप्रैल दे विच एक बच्चा केस अप्लाई कर रहा, 1 महीने दे विच उहनूं ऑफर मिल रहा मई दे विच, मई चो बच्चा अपनी फीस ट्रांसफर कर रहा तां जून जुलाई दे विच उहनूं कास लैटर उत्थों रिसीव हो रहा आ, ते नाल ही अंबैसी वल्लों भी अज समां लगाया जा रहा। अज अंबैसी दे विच जिद्दां कैनेडा अंबैसी या आस्ट्रेलिया अंबैसी टाइम ला रही आ,
ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਟੇਕ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।